आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड इतिहास हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम आजकल पढ़ रहे हैं वन डे स्टडी नोट्स, जिसमें हम एक भाग पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। यानी वन डे स्टडी नोट्स में यदि आप लगभग 7 या 8 वीडियो पढ़ लेते हैं तो मेरे विचार से आपका जो सिलेबस है वो लगभग कवर हो जाता है, और आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाते हैं, आपका एक रिवीजन हो जाता है और आपका पेपर, आपको पेपर अटेंड करने में बहुत अधिक सहायता भी होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज आपकी अच्छी मदद करेंगे। कैसा लगता है जरूर मुझे बताइएगा। ये दूसरा पार्ट है, इसी प्रकार के हम 7-8 पार्ट पढ़ेंगे। और 7-8 पार्ट का अर्थ ये नहीं है कि बहुत बड़े हो जाएंगे, 7-8 पार्ट का अर्थ यही है कि लगभग 3 घंटे का, यानी 3 घंटे में यदि कोई किताब पूरी रिविजन हो जाती है तो आप समझते हैं कि, यानी इसको 2 बार यदि आप देख लेते हैं, एक तरह से वो किताब कंप्लीटली आपको याद हो जाती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को दूसरे भाग में। पहले भाग को भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि क्या है कि अच्छे से कंटिन्यूटी बने रहे। प्रश्न आ जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्लासी के युद्ध से संबंधित छोटे सवाल भी आ जाते हैं, बड़े सवाल भी आ जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से हम इसका रिविजन कर लेते हैं। देखिए 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ये छोटा प्रश्न आ सकता है कि कब हुआ, छोटे प्रश्न में तब आपको इतना ही लिखना है। अगर मान लो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है तब आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। 23 जून 1757 को हुआ, और क्लाइव ने छल कपट से काम लेते हुए सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर जाफर थे उनको अपनी ओर मिला लिया था। यानी क्लाइव ने उसे कुछ रिश्वत वगैरह दे करके और अपनी ओर मिला लिया, और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई, उसे बंदी बना लिया गया, उसका वध कर दिया गया, और युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और अंग्रेजों की कंपनी की शक्ति में प्रतिष्ठा और वृद्धि हुई। ये प्लासी का युद्ध था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था इससे क्या परिणाम क्या निकले, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम थे, तो पहला तो राजनीतिक परिणाम है। राजनीतिक परिणाम की हम बात करें तो बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और अब भारत में अंग्रेजों के लिए साम्राज्य स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि अब तो कोई कांटा ही नहीं रहा। और प्लासी के युद्ध ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता को भी प्रकट कर दी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजों को यह पता लग गया कि यहाँ के लोग जो है रिश्वत में मरने वाले हैं, और इन लोगों को रिश्वत देकर के और हम इन्हीं के राजा को हम हरा सकते हैं। आर्थिक परिणाम की बात करें तो अंग्रेजी कंपनी को बंगाल के नवाब मीर जाफर से अतुल धनराशि प्राप्त हुई थी, और अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में 24 परगनों की जागीर प्राप्त हो गई। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इतना जब प्राप्त हो गया तो वो आर्थिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हो गए। तो इस प्रकार ये प्लासी के युद्ध को आप लिख सकते हैं। प्रश्न आ जाएगी बक्सर का युद्ध, इसका वर्णन करते हुए इसका परिणाम और महत्व बताइए, तब आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए कि जब मीर कासिम ने अपने सैन्य संगठन को सुदृढ़ किया तो अंग्रेज नाराज हो गए। इसलिए 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच ये युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, बक्सर नामक स्थान पर, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यानी इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों के साथ में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम इनकी सेना थी, इनकी सेना सम्मिलित सेनाओं के बीच में हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। अब बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम निकला और क्या महत्व रहा, देखिए बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया और अब अंग्रेज जो है बंगाल के वास्तविक राजा बन गए। दूसरी बात यह हुई, इस युद्ध के बाद अवध के नवाब पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल सम्राट अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो गया। अब क्या हुआ, मुगल सम्राट जो था अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो गया इलाहाबाद संधि के अनुसार, और उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापना करना अंग्रेजों के लिए सुगम हो गया। अब क्या है कि यहां पर जो है साम्राज्य स्थापना में, क्योंकि अब एक तरह को एक उनको हरा दिया तो फिर उनके लिए रास्ता बन गया। अब अंग्रेजी कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई। बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित करने की प्रक्रिया प्लासी के युद्ध ने शुरू की थी। अगर प्रश्न आ जाए यहां पर कि बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित करने की प्रक्रिया किस युद्ध ने शुरू की, प्लासी के युद्ध ने शुरू की, जो कि बक्सर के युद्ध में पूरी हो गई। मतलब बक्सर का युद्ध होने के बाद जो है पूर्ण रूपेण जो हम कह सकते हैं
कि वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो इस प्रकार बक्सर के युद्ध में आप लिख सकते हैं। व्यपगत नीति क्या थी? व्यपगत नीति, देखिए इसको हम ये कह सकते हैं व्यपगत सिद्धांत यानी हड़प की नीति, हड़पना। और इस नीति का प्रारंभ डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने क्या किया, भारत की जो रियासतें थी उनको तीन भागों में बांटा था। एक तो वो रियासत जो अंग्रेजों के अधीन थी नहीं, कभी अधीन आई नहीं, ऐसी रियासतें जो मुगल सम्राटों के अधीन थी, और ऐसी रियासतें जो अंग्रेज सैनिकों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा स्थापित की गई या अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई, मुगल सम्राटों के द्वारा अधीन थी या अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, इस प्रकार तीन प्रकार की उसने उनको बांटा। और बांट करके उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकार नहीं थे अपने शासन के अधिकार खो देते थे। व्यपगत की नीति का अर्थ होता कि अगर मान लो कोई राजा है, उस राजा के कोई औलाद नहीं है, तो उस वह राजा गोद नहीं ले सकता था, किसी को गोद लेकर के अपना राज्य उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता था। इसलिए अगर वो मरने के बाद में उसका राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था, यही था। और इसी नीति का सहारा लेकर के सतारा का राज्य था 1848 में मिला लिया, जयपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, इन सभी का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। तो ये जो है व्यपगत की नीति थी, एक हड़प की नीति थी, जिसमें क्या है कि अंग्रेजों ने इस नीति का सहारा लेकर के और राज्यों को अवध राज्यों को अंग्रेज राज्यों में विलय करने का काम करते थे। प्रश्न आ जाए इलाहाबाद की संधि कब और किन की मध्य हुई, इसमें बड़े और छोटे सभी प्रकार के प्रश्न हैं। इलाहाबाद की संधि कब और किन के मध्य हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेजों और अवध के नवाब सुजाउदौला के बीच और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। यानी अवध का नवाब सुजाउदौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में हुई थी 1765 ईस्वी में, अंग्रेजों और इनके बीच में हुई थी। अगर मान लो कहीं आपको ये डेट वगैरह बताई जाती है, इनमें यदि मान लो छपने में कभी कोई मिस्टेक रह भी जाती है, तो आप अगर आपको डाउट होता है तो आप जरूर ही अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करेंगे, और मिलान करने के बाद यदि आपकी ऑथेंटिक बुक में यदि डेट में फर्क पाया जाता है तो आप ऑथेंटिक बुक वाली डेट को आप याद करेंगे, क्योंकि वैसे कंप्लीटली ध्यान रख करके बनाया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि मानव गलतियों का पुतला होता है और हो भी जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटर ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, और किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था। प्रश्न आ जाए पूना की संधि कब और किनके मध्य हुई? पूना की संधि 13 जून 1817 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना स्थान पर हुई थी। ठीक है, पूना में हुई थी, तो 13 जून 1817 को हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। प्रश्न आ जाए भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? इसका नाम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, अंग्रेजी में क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जगह आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई, तो बात वही है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में की थी, महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान पर। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था, सार्वजनिक जीवन के लिए यानी अपने देश की सेवा के लिए जो युवा लोग थे उन युवाओं को प्रोत्साहित करके और उनको ट्रेनिंग देना था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हुआ, ये तो आपको पता हो गया, तो इसकी क्या विशेषताएं थी? पहली विशेषता थी कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड ने 6 कमिश्नरों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट को दी गई। यानी इसमें क्या हुआ, 6 कमिश्नर बोर्ड बनाए गए 6 व्यक्तियों का, जिसमें क्या है कि नियुक्ति है वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई थी। दूसरी बात, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों संख्या 3 कर दी गई थी, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के लिए भी 3-3 सदस्यों की काउंसिल का गठन किया गया था, मद्रास और मुंबई के लिए। मुंबई तथा मद्रास की सरकारों को पूर्ण रूप से बंगाल की सरकार के अधीन कर दिया गया था। अब देखो यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि मुंबई और मद्रास की सरकारों को पूर्ण रूपेण बंगाल की सरकार के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया, तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट तहत, एक्ट 1784। गवर्नर जनरल की तथा उसकी काउंसिल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना युद्ध या संधि नहीं कर सकती। गवर्नर जनरल तो है
और उसकी जो काउंसिल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियुक्त किया गया था, जिसमें 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे, और वो यानी ब्रिटेन का जो सम्राट था उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेकर के एक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है युद्ध की या संधि की अनुमति संधि कर सकती थी। तो ये क्विट इंडिया एक्ट के तहत लागू हुआ। अमृतसर की संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे? अमृतसर की संधि में देखिए, एक जो था, दोनों पक्षों ने सतलज नदी को अपनी अपनी सीमा मान लिया। दोनों पक्ष जो थे उन्होंने, पहली बात तो ये हो गई कि दोनों ने अपनी अपनी सीमा मान लिया। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व में स्थित राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। रणजीत सिंह जो कश्मीर के थे, उन्होंने कहा कि भाई सतलज नदी के पूर्व में जो भी राज्य है मैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में विस्तार खुली छूट दे दी। अब देखिए, रणजीत सिंह ने कहा कि पूर्व में स्थित राज्य है वो अंग्रेजों के एयर, मैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, तो फिर आप उत्तर पश्चिम के जो राज्य हैं, उत्तर पश्चिम के राज्य हैं, आप उनमें आप पूरा विस्तार कर सकते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, उधर हम आपके इंटरफियर नहीं करेंगे। ये अंग्रेजों ने कह दिया। दोनों पक्षों ने परस्पर स्थायी मैत्री और शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया। कहा कि भाई हम स्थायी रूप से मित्र बने रहेंगे। कभी भी किसी भी पक्ष द्वारा संधि की एक धारा का उल्लंघन करने पर संपूर्ण संधि समाप्त मानी जाएगी। ये भी एक संधि की एक धारा थी कि इनमें से किसी एक भी धारा का उल्लंघन हो गया तो इसका मतलब संपूर्ण संधि का उल्लंघन है। प्रश्न आ जाए कि हैदर अली कौन था, उसके क्या काम थे? तो हैदर अली एक वीर योद्धा था और कुशल सेनानायक था। वह एक योग्य शासक भी था। अपनी प्रजा की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था। वह एक चतुर राजनीतिज्ञ भी था। उसने मराठों और निजाम को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी कूटनीति का परिचय भी दिया था। यानी हैदर अली एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, उसमें उसे हर धर्म के प्रति सहिष्णुता थी। वह हिंदुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। तो ये हैदर अली था। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान की बात करें, वो उन्हीं का बेटा था। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। 1782 में हैदर अली की जब मौत हो गई थी तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का राजा बना था। और तीसरा जो आंगल बैसूर युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज सेनापति को पराजित करने में भी टीपू सुल्तान ने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। यानी आंगल बैसूर युद्ध हुआ था, आंगल बैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना को उन्होंने पराजित भी किया था, परंतु अंत में 1792 में श्री रंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। 1792 में अंग्रेजों ने उसे घेर लिया था और घेरने के कारण फिर रंगपट्टम की संधि की। अंग्रेजों और रंगपट्टम की संधि किसके बीच हुई? अंग्रेजों के बीच और टीपू सुल्तान के बीच, ये ध्यान रखेंगे। और 1799 में उसने जो चौथा आंगल बैसूर युद्ध लड़ा था, उसमें अपनी वीरता का परिचय दिया, वीरतापूर्वक मुकाबला भी किया, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते क्या हुआ कि 4 मई 1799 को, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गया। यानी एक महान योद्धा था। अब टीपू सुल्तान की उपलब्धियां बात करें कि उस क्या उपलब्धियां थी, तो टीपू सुल्तान एक वीर योद्धा और कुशल सेनापति था। उसने अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया। योग्य शासक भी था। उसने सेना, व्यापार, मुद्रा, यातायात आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधार किए। वह अपने पिता हैदर अली की भांति कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था, वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन, मन, धन संपूर्ण बलिदान कर दिया था। ये एक इस प्रकार का टीपू सुल्तान था। प्रश्न आ जाए कि द्वितीय आंगल सिख युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वैसे ये युद्ध है वो काफी अलग अलग चरणों में चला, लेकिन इसको यदि हम आप लिखें तो ये लिख सकते हैं कि 10 अक्टूबर 1848 को जब अंग्रेजों ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई आपसे युद्ध करेंगे, तो अंग्रेजी सेना ने 22 फरवरी 1850 को मुल्तान पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मुल्तान के भूतपूर्व गवर्नर जो है मूलराज, उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने, हाथ खड़े कर दिए। और अंतिम निर्णायक युद्ध जो है वो चिनाव नदी के तट पर स्थित गुजरात नामक स्थान पर हुआ, 21 फरवरी 1849 को हुआ, जिसमें सिखों की निर्णायक पराजय हुई। 21 फरवरी 1849 को गुजरात नामक स्थान पर चिनाव नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसमें सिखों की हार हुई। और 29 मार्च 1850 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये द्वितीय आंगल युद्ध की बात है। अब द्वितीय आंगल युद्ध हुआ क्यों, इसके क्या कारण थे? प्रश्न आ जाए द्वितीय आंगल युद्ध क्यों हुआ, तो द्वितीय आंगल युद्ध का कारण था प्रथम आंगल सिख युद्ध में अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे। सिख क्या है, सिख जो है प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ था उसका बदला लेना चाहते थे। दूसरी बात, लाहौर की संधि के अनुसार सिख सेना में कमी कर दी गई थी, जिसमें हजारों सिख सैनिक बेरोजगार हो गए। यानी पहले अंग्रेजों की सेना में जो सिख थे, अब अंग्रेजों ने क्या किया कि धीरे धीरे यानी सिखों की जो सैनिक थे उनको कम करना शुरू कर दिया। तब सिखों ने लगा कि भाई हमारे सैनिक बेरोजगार हो रहे हैं,
और इधर क्या है, हमारी संख्या कम हो रही थी, इसका अर्थ है कि ये हमारे ऊपर कोई हमला करेंगे, तो एक कारण ये भी था। दूसरा था अंग्रेजों द्वारा पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, पंजाब के आंतरिक मामलों में भी अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे जो सिखों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और अंग्रेजों के अपमानजनक नीति से नाराज होकर के 1848 में मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने उसे पूर्णतः घेर रखा था और वह अपमानजनक नीति से नाराज हो गया, नाराज होकर के उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। और लॉर्ड डलहौजी पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए कटिबद्ध, लॉर्ड डलहौजी यह चाहता था कि इसको पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया जाना जरूरी है, क्योंकि वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा स्टेट था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ और इसे 1774 में लागू किया गया। अगर आ जाए प्रश्न आ जाए कि लागू कब किया गया, तो लागू 1774 में, पारित 1773 में हो गया था। कांग्रेस के जनक किसको कहा जाता है? कांग्रेस के जनक एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी आईसीएस थे, कलेक्टर थे, एलन ऑक्टेवियन होम, इनको कांग्रेस का जनक कहते हैं। और उसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इनकी प्रथम बैठक हुई थी। वहां पर इसकी इसके संस्थापक हुआ है वो एओ हुम यानी एलन ऑक्टेवियन हुम को ही माना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित क्यों किया? पिट्स इंडिया एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें जो दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया 1784 में। लखनऊ पैक्ट क्या था? लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ था, यानी यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वो कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और इस समझौते को 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। यानी ये जो लखनऊ पैक्ट था ये 29 दिसंबर 1916 को तो कांग्रेस ने पारित कर दिया और फिर 31 दिसंबर को यानी उसके 2 दिन बाद 31 दिसंबर 1916 को मुस्लिम लीग ने भी इसको पारित कर दिया, जिसमें दोनों दलों के बीच में समझौता किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, द्वैत शासन जो है वो कब समाप्त किया गया बंगाल में? द्वैत शासन जो है 1722 ईस्वी में लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को समाप्त किया। 1772 ईस्वी में यानी वारन हेस्टिंग्स ने जो है लॉर्ड क्लाइव का जो द्वैत शासन था स्थापित किया हुआ उसको यानी खत्म किया वारन हेस्टिंग्स ने। महालवाड़ी प्रथा क्या थी? महालवाड़ी प्रथा, देखिए महालवाड़ी प्रथा के अनुसार भूमि कर की इकाई संपूर्ण ग्राम या महाल होता था, कृषक का खेत नहीं। महालवाड़ी प्रथा वो थी जिसमें क्या होता था, एक गांव होता था, उस गांव का पूरे का टैक्स होता था, यानी उस टैक्स को वहां पर एकत्रित करने के लिए वहां का कोई गांव का आदमी होता था, यानी वो एक एक किसान से नहीं पूरे गांव से लेते थे। इनमें भू राजस्व के बारे में समझौता गांव के सभी पट्टेदारों से किया जाता था, यानी सभी जो पट्टेदार है वो इसमें समझौता करके थे कि हम इसका टैक्स दे देंगे। अब इसके दोष क्या थे महालवाड़ी प्रथा के, कि महालवाड़ी प्रणाली का प्रमुख दोष यह था कि गांव के नंबरदार और अन्य बड़े लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे जिनका कभी कभी वे अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते थे। देखिए मालवाड़ी में क्या होता था, अभी मैंने आपको बताया कि भी जैसे मान लो गांव में आदमी जो होते थे सामंत होते थे और वो सामंत क्या है कि गांव का टैक्स वसूल करते थे और वहां से जो पूरा जो माल था उस सामंत के पास, उस सामंत को सामंत से अंग्रेज सरकार है वो ले जाती थी। तो उसमें इसका दोष ये हो गया कि वहां का जो नंबरदार था यानी वहां का जो सामंत था उनको विशेष विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो विशेष अधिकार प्राप्त होने के कारण क्या है कि वो कितना उगाते थे टैक्स, मान लो 1/4 था या 1/3 था तो वो 1/2 उगाए टैक्स तो भी कौन देने वाला था। नंबरदार तथा मध्यस्थ लोग बहुत सारी जमीनें अपने अधिकार में ले लेते थे, इसलिए बड़े शक्तिशाली नंबरदार किसानों का शोषण करते थे। इसमें क्या है कि किसानों का शोषण होता था, किसान तो बेचारे अन्न उत्पादन करते थे उनका उपयोग नहीं करते थे। वास्तव में इन मातहत किसानों को बहुत मामूली सा मुआवजा दिया जाता था, बाकी सारी उपज बड़े बड़े मालिकों के भंडारों में चली जाती थी। ये महालवाड़ी जो प्रथा थी यह सबसे घटिया प्रथा थी।
कार्नवालिस कोड क्या था? कार्नवालिस कोड क्या था, यानी इस कोड के अंतर्गत निजामत या फौजदारी अदालतों में अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किए गए और न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग कर दिया। न्याय व्यवस्था को यानी प्रशासन से न्यायपालिका को अलग करके और अदालतें जो थी वहां पर न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, इसको कार्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। लाहौर की संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लाहौर की संधि पर सतलज और व्यास नदी के बीच एक प्रदेश है जालंधर दोआब तथा इसमें स्थित सभी दुर्ग अंग्रेजों को दे दी गई। ये लाहौर संधि जो हुई थी, लाहौर संधि में जालंधर दोआब और जो दुर्ग थे वो अंग्रेजों को दे दिए। महाराजा दिलीप सिंह ने सतलज नदी के दक्षिण में दक्षिणी प्रदेशों पर अपना अधिकार त्याग दिया और ये प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। यानी सतलज नदी के दक्षिण में जो दक्षिण भाग में जो प्रदेश थे वहां से उसने अपनी उम्मीदवारी हटा ली, कहा कि मैं इधर नहीं आऊंगा, और ये अंग्रेजों को दे दिए। सिखों पर 1.5 करोड़ रुपया युद्ध का हर्जाना थोपा गया। सिख सेना की संख्या 12,000 घुड़सवार तथा 20,000 पैदल सैनिक तक सीमित कर दी गई। दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, रानी जिंदल को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार किया गया। ये संधि जो हुई थी। अंग्रेजों ने अवध का विलय क्यों किया? अवध का विलय अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ये विलय की नीति वाला लॉर्ड डलहौजी की के समय की योजना है। वो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला था। उसने अवध में नियुक्त अंग्रेज रेजिडेंट को अवध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजने का, यानी अवध में जो अंग्रेज अधिकारी थे, रेजिडेंट अधिकारी थे, उनसे कहा कि भाई अवध की क्या स्थिति है बताओ। तो वहां का एक जो स्लेमेन था, एक जनरल ओटम था, उसने क्या किया, अवध के शासन के बारे में रिपोर्ट भेजी जिसमें ये बात लिखी कि अवध राज्य में अशांति और अराजकता फैली हुई है, यानी ये अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क रहे। स्लीमेन ने और जनरल ओट्रम ने यानी रिपोर्ट भेजी थी लॉर्ड डलहौजी को कि यहाँ के लोग जो है वो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए उतारू है, यहाँ की कुछ शक्तियां जो ज्यादा ताकतवर हो रही है और हम लोगों को यहां से निकालने पर तुली हुई है तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन रिपोर्टों का बहाना बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया। वहां का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसे कहा कि उसे हटा दिया गया और 13 फरवरी 1856 को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 13 फरवरी 1856 को, यह ध्यान रखना। 1857 की क्रांति पर टिप्पणी की। 1857 की क्रांति के हम पहले कारण जानेंगे, उसके बाद उसका परिणाम जानेंगे। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से भारतीय नरेश लोगों में असंतोष भी आपका पहला कारण यह था। लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी, यानी वो जो है भारत के जो राज्य थे उन राज्यों को जो हड़प रहा था, उससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरी बात है 1856 में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया जिससे अवध की जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया, यानी यहीं से चिंगारी लग गई। अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार किए जाने से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश हो गया। एक तो क्या है कि उधर जो जो लोगों को मिला रहा था तो हिंदू राजा जो थे वो तो सारे उनके विपक्ष में थे ही, इसके अलावा मुगल सम्राटों का भी वो अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे, तो मुसलमान भी उनके विरुद्ध में हो गए। गाय और सुअर की चोरबी लगे हुए कारतूसों से हिंदू और मुसलमानों का अपमान किया था, जिससे क्या है कि मंगल पांडे वाली घटना आप जानते ही हैं। तो उसमें ये कुछ कारण बन गए। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, बहुत सारे लोग मारे भी गए, यहाँ के लोगों ने भी दमखम से दिखाया, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण क्या है कि वो सफल नहीं हो सका। तो उसके परिणाम क्या निकले? परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश को सौंप दिया। अब देखिए यहां से पहला परिणाम तो ये हुआ कि अब जो यहाँ का जो शासन था, भारत का शासन था, सीधे सम्राट का दिन हो गया, कंपनी का दिन नहीं रहा, कंपनी का शासन हटा दिया। दूसरा, तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में आ गया, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि, यानी अंग्रेजों की संख्या में वृद्धि करना जरूरी था उनके लिए, क्योंकि उन्हें भारत के लोगों से असुरक्षा महसूस हो रही थी कि ये लोग हमें मारेंगे। 1857 की क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। 1857 की क्रांति जब हुई तो भारतीयों को ये लगा कि वास्तव में इन लोगों को यदि हम नहीं हटाएंगे तो ये तो क्या है कि जैसे 1857 की क्रांति से पहले यदि अपने भारत के जो भी लोग वहां पर सेना में काम करते थे तो उन लोगों को भी उन्होंने मार दिया, उन पर भी उन्होंने दया नहीं दिखाई, तो लोगों ने समझा कि वास्तव में अपने तो अपने होते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के लिए हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। एक कारण ये भी था, हिंदू और मुसलमान कहा कि भाई किसी ने कहा हिंदुओं के कारण असफल हुई, किसी ने कहा मुसलमानों के कारण, तो एक दूसरे पर दोष ठहराने लग गए जिससे क्या है कि उनमें एकता नहीं बन पाई। अब असफल क्यों हुई,
इसके लिए कारण थे असफलता। 1857 की क्रांति निश्चित समय से पहले शुरू हो गई। पहला कारण यह था, योजना व्यवस्थित योजना नहीं थी। इस क्रांति का संपूर्ण भारत में प्रसार नहीं हुआ। दक्षिण भारत के राज्य क्रांति के प्रति उदासीन बने रहे। अनेक भारतीय राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। एक कारण यह भी था, और एक कारण यह था, क्रांतिकारियों के पास योग्य अनुभवी सेनापति नहीं थे। क्रांतिकारियों की सेना में अनुशासन नहीं था। पांचवा था, क्रांतिकारियों के साधन अत्यंत सीमित थे। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे, उनके पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। अंग्रेजों के पास तो अच्छे हथियार थे, क्योंकि वो तो राजा थे, तो ये भी कारण था। और एक अगर इसको हम 1857 की क्रांति का महत्व पूछा जाए, तो हम महत्व इस प्रकार लिख सकते हैं, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत का प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में आ गया। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में भी परिवर्तन किया, उन्होंने भी अपनी नीतियां थोड़ी चेंज की। और 1857 की क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश के आंतरिक दशा में सुधार करने का प्रयास भी किया। अंग्रेज लोग डरने भी लग गए और अंग्रेजों को यह भी लगा कि अब तो हमें ये बाहर भी निकाल सकते हैं। इस विद्रोह के बाद भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया भी शुरू हुई। तो यह 1857 की क्रांति का एक शॉर्टली हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि भारत में सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो वो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजन ने की थी। प्रश्न आ जाए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के सम्राट के साइन कब हुए, हस्ताक्षर कब हुए, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर इंग्लैंड क्राउन के हस्ताक्षर 18 जुलाई 1947 को हुए थे। 18 जुलाई 1947 को। प्रश्न आ जाए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच लड़ा गया था। इसके कारण निम्न थे, क्या कारण थे, देखिए, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अशांति और अराजकता फैल गई, एक तो ये कारण था। सिख सरदारों का आपसी संघर्ष था जिससे पंजाब में अव्यवस्था फैल गई, दूसरा ये कारण था। तीसरा कारण था कि अंग्रेज सैनिकों अंग्रेज सिखों की आपसी फूट का लाभ उठाकर के पंजाब पर अधिकार करने के लिए कटिबद्ध थे, यानी सिखों में आपसी फूट थी, आपस में एकता नहीं थी और अंग्रेजों ने इस बात को जान लिया था, इसलिए वो क्या है कि डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपना करके फूट डालो और राज करो की नीति से ऐसा करना शुरू किया। सिख सेना अनियंत्रित हो गई और राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गई थी। सिख सेना द्वारा सतलज को पार करने पर अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी थी, ये कारण था। प्रश्न आ जाए रंगपट्टम की संधि कब हुई, किसके बीच हुई, रंगपट्टम की संधि 23 मार्च 1792 को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। भारत का वृद्ध पिता में किसे कहा जाता है, भारत का वृद्ध पिता में उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पिता में कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन क्या थे, गोलमेज सम्मेलनों पर टिप्पणी लिखिए। गोलमेज सम्मेलन जो थे वो राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन रखे थे, जो कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम और द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, पहले और तीसरे में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की स्वाधीनता की मांग अस्वीकार करने के कारण सम्मेलन समाप्त हो गया। यानी वहां पर तो गांधी जी गए दूसरे सम्मेलन में, गांधी जी ने कहा कि हम देश को आजाद करवाना चाहते हैं, भारत के लोग ही जो है वहां की शासन व्यवस्था संभालना चाहते हैं, तो अंग्रेजों ने उनको अस्वीकार कर दिया, कि कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और गांधी जी ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया, वहां से जब उन्हें ये उत्तर मिल गया, और इस प्रकार 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित भी हुआ। यानी गोलमेज सम्मेलनों पर और जो भारत की प्रतिक्रिया थी उसी के आधार पर ये हुआ था। 1857 के संघर्ष में तांत्या टोपे की क्या भूमिका थी, तांत्या टोपे की भूमिका देखिए, 1857 की क्रांति का प्रसार कानपुर में भी हुआ। यानी जैसे अपन एक कविता पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। यानी उसमें क्या है कि अलग अलग स्थानों के नाम भी बताए हुए हैं, तो कानपुर में भी हुआ। तांत्या टोपे ने कानपुर पर अधिकार कर लिया, परंतु शीघ्र ही अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। क्या है कि तांत्या टोपे जो ही कानपुर पर अधिकार किया, अंग्रेजों ने आकर के उसे हराया और उससे ले लिया। उन्होंने फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा, कानपुर पर अधिकार कर लिया, परंतु कुछ समय बाद अंग्रेजों ने फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। तांत्या ने राजस्थान पहुंच करके वहां के क्रांतिकारियों को संगठित किया, तांत्या टोपे राजस्थान भी आए थे, और अनेक स्थानों पर अंग्रेज सेनाओं को पराजित किया। अंत में यहाँ के राजा मानसिंह की सहायता और विश्वासघात के कारण तांत्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी राजस्थान में
मानसिंह की सहायता और इस विश्वासघात के कारण के कांत्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। 1752 की मुगल मराठा संधि कब हुई, क्या हुआ? 12 अप्रैल 1752 को मुगल सम्राट वजीर सफदरजंग और मराठों के बीच में एक संधि हुई, जिसके अनुसार मराठों ने यह वचन दिया कि वे आंतरिक विद्रोह और विदेशी आक्रमणकारियों से मुगल साम्राज्य की रक्षा करेंगे। यानी मुगल मराठा संधि थी जो कि 12 अप्रैल 1752 को हुई थी, किसके बीच में? वजीर सफदरजंग और मराठों के बीच में। और मराठों ने यह कहा कि भाई हम आपके राज्य की रक्षा करेंगे, जब भी कोई आक्रमणकारी आएंगे तो हम हाजिर रहेंगे और इसके बदले में मराठों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, उन्हें पंजाब सिंध और दोआब से चौथ वसूलने का अधिकार भी दिया जाएगा। यह संधि हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के विरुद्ध, टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के विरुद्ध असफल क्यों हुआ? पहला कारण था, टीपू सुल्तान में राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी, अपने बाप की तरह इतना राजनीति के नहीं था वो। टीपू ने घुड़सवार सेना की उपेक्षा की और उसकी ये भारी भूल थी, घुड़सवार सेना नहीं रखी। अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि के क्या महत्व था? अमृतसर की संधि के कारण अंग्रेज सतलज पार की रियासतों को उन पर अपना आधिपत्य नहीं कर पाए थे। यानी अमृतसर संधि से क्या कि संधि में ये कर दिया कि सतलज पार की जो रियासतें हैं उन पर अंग्रेज अधिकार नहीं करेंगे। अमृतसर की संधि अंग्रेजों की एक कूटनीतिक विजय थी। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजी राज्य की सीमाएं सतलज नदी तक पहुंच गई थी, एक ये भी था। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके आगे भी और भी वीडियोज आएंगे। कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।